हे एवरीवन, जय श्री कृष्णा। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर गुड। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। अरे सुबह सुबह कूलर क्यों चला रहे हो यार? ठंडा लग रहा है। जीना सोई है। नीरज वैसे कितने बजे जाओगे? 55 पे। कितने? 7:55? 8:55 ना। चलते मैं डर गई। मैंने कहा कि मैं नाश्ता नहीं बनाई हूँ। सो गाइज, अभी मेरा, मैंने कल आप लोगों को बताया था, कल क्या यार, सॉरी मेरा व्लॉग थोड़ा लेट आ रहे होंगे क्योंकि ना हमारे वहाँ नेटवर्क ही नहीं आ रहे है। मतलब आइडिया की सिम में 0 क्रॉस आ जा रहा है। पता है मैं कहाँ कहाँ घूम रही हूँ नेटवर्क के लिए? मतलब बाहर भी घूमने गई, इधर दूर तक गई, तो ये नेटवर्क दूर दूर तक कहीं नहीं आ रहा। और दोनों की सिम आइडिया की, नीरज की भी आइडिया की, मेरी भी आइडिया की सिम है। इस वजह से तो आज मैं, नीरज कह रही थी कि आज एयरटेल की सिम लेके आते हैं क्योंकि 3 दिन हो गए यार नेटवर्क थोड़े थोड़े कम हो रहे थे, लेकिन कल तो भाई हद ही हो गई, 0 नेटवर्क, फोन तक भी नहीं आ रहे थे, ऐसा हो गया। तो फिलहाल के लिए मैं बनाती हूँ नाश्ता। अभी मेरा सारा काम हो चुका है, आज मैं जल्दी उठी हूँ क्योंकि मैंने कल आपको बताया था नीरज को अब जल्दी जाना होगा, तो इस वजह से आज बना रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट पे सेमिया, जैसे खीर बनती है ना, तो उससे वो भी होता है, उपमा तो नहीं कहेंगे, उपमा वाला टाइप का कुछ होता है लेकिन मुझे नाम नहीं पता है, बस मैंने खाया है और मैं बनाती हूँ। तो सेमिया और सूजी का कुछ बना रही हूँ, आपको दिखाऊंगी फाइनल रिजल्ट। फिलहाल के मैं सूजी को हल्का सा रोस्ट कर रही हूँ विदाउट एनी ऑयल और घी, और यहाँ पे मैंने नट्स को भी हल्के से फ्राई भून लिए है, सौते कर लिए, क्योंकि इनको मैं चटनी बनाऊँगी इसकी, हमारे घर में ना रोज़ बनती है यार। तो गाइज, मेरे घर पे रोज बनती है ये नारी मूंगफली की चटनी, मेरे पति को इतनी पसंद है। इससे पहले कि मेरा खाना जल जाए, मैं अपना खाना निकाल लेती हूँ क्योंकि एक हाथ से फ़ोन पकड़ना और ब्लॉगिंग करना इट नॉट पॉसिबल। ये ना काफ़ी अच्छा और हेल्थी ब्रेकफास्ट है, आप लोग भी प्रीफर कर सकते हो क्योंकि घर पे सूजी और सेमई का पैकेट सबके अंदर होता है, और सेमई की खीरी पता है लोगों को कि खीरी खाते हैं, बहुत लोगों को पता होगा ये रेसिपी बट बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो उनके लिए मैं छोटी सी सिंपल सी रेसिपी है जैसे आप लोग को जल्दी जल्दी बनाना है। जैसे कि अभी क्या था ना, नीरज को आज फर्स्ट डे था उनका, दूसरी जगह में गए वो, तो मुझे पता नहीं था टाइम और उनको भी कोई टाइम नहीं पता था, तो इस वजह से एक सेकेंड तो इस वजह से उन्होंने, वो अभी आए, फिर मैंने कहा भी उनको जाना भी है तो क्या बनाए यार, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं चटनी कर लेती हूँ और ये बना लेती हूँ, आप लोग को दिखाऊंगी। काफ़ी सिंपल है और काफ़ी अच्छा है, मैं आप लोग को सिंपल सी रेसिपी है, आप लोग भी चाहे ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, और बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेसिपी है, हेल्थी है। तो चलो बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए ना हमें लगेगा थोड़ा सा एक प्याज और थोड़ी सी हरी मिर्ची अगर आप चाहें तो, और ये मेरे पास गाजर थे, ये ऑप्शनल है, टोटली ऑप्शनल है, मेरे पास ना पड़े थे तो मैंने कहा वेस्ट होने से अच्छा इसमें यूज़ कर लेती हूँ, इसे नहीं भी डालेंगे तो तब भी अच्छा होगा। और ये कड़ी पत्ते की लीव्स थोड़ी सी, और ये राई के दाने, मस्टर्ड सीड्स, और थोड़ा सा सौंफ क्योंकि सौंफ से काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है, थोड़ा सा जीरा, और ये सूजी मैंने रोस्ट कर ली है। तो ये आपकी ये जो ये कटोरी है ना, इसका हाफ है, हाफ कटोरी मैंने ये ली है क्योंकि मैं सूजी की क्वांटिटी कम कर रही हूँ और सेमिया की क्वांटिटी मैं ज़्यादा करूँगी, तो बस इतना सा ही चीज़ लगेगा, और थोड़ा सा ऑयल जो कि मैंने ऑलरेडी डाल दिया है अपने बर्तन पे। तो यहाँ पे मेरा ऑयल भी हल्का फुल्का गर्म हो गया है, तो सबसे पहले मैं मस्टर्ड सीड्स डालूँगी, देखो ये चटक चुके हैं, तो इसमें थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे, और प्लीज़ गैस के फ्लेम को कम करना, और थोड़ा सा सौंफ ऐड करेंगे, और कड़ी लीव थोड़ा दूर से करना क्योंकि कड़ी पत्ते डालते ही ना चटकते हैं, और मेरे साथ तो हर बार होता है मैं जलती जलती हूँ। तो अब इसमें हम करेंगे अपने अनियन को ऐड, और जो मेरे गाजर और ये को भी मैं अभी ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसे ही पसंद है, ये जो थोड़ा सा कच्चे टाइप के लगते हैं मुझे। अगर आप लोगों के पास ना अदरक है ना, तो प्लीज़ छोटा सा अदरक को ना छोटे छोटे, मतलब इतने से पीस अदरक के छोटे 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 पीस करके ना आप इसमें ऐड करना, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है, या लंबे लंबे पीस करके, बट अभी मेरे पास नहीं था, तो वैसे तो मेरे पास होता है लेकिन आज नहीं था, और मैं वैसे हमेशा डालती हूँ अदरक, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है।
अब नहीं है तो नहीं डाला मैंने, आप लोग के पास है तो आप लोग डाल ले। सो गाइज मेरे ना प्याज और गाजर हो चुके हैं हल्के से रोस्ट, रोस्ट क्या मतलब फ्राई, तो ज़्यादा फ्राई नहीं करना है इसको, जलाना नहीं है। अब मैं इस पर सेमिया ऐड करूँगी क्योंकि इस पर ऑयल है ना, तो ऑयल के साथ थोड़ा सा सेमिया को भी हमें फ्राई करना है क्योंकि ये फ्राई वाला सेमिया नहीं है, इसलिए इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। तो ये मेरी हो चुकी है फ्राई, तो मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी हल्दी और डालेंगे इस पे हम नमक स्वाद अनुसार। बस अब हम इस पे डालेंगे पानी, तो पानी ना मैं डालूंगी इस पे 3 वाली कटोरी। यहाँ पे पानी ऐड हो गया है, इसको थोड़ा एक इस पे ना एक बॉईल या दो बॉईल कर लेना और उसके बाद इस पे आप सूजी ऐड कर देना, बस फिर आपका बन जाएगा। तो ये हो चुकी है मेरा, हो चुका है आई मीन मेरा ब्रेकफास्ट का प्लेट रेडी। तो ये देखिए कितने ज़्यादा खिलखिले मतलब खुले खुले बने हैं हमारा ये उपमा या कुछ भी कहो, पता नहीं क्या नाम मुझे इसका पता नहीं है, लेकिन मुझे रेसिपी बनानी आती है क्योंकि मैंने नीचे वाली दीदी से सीखी थी, जो नीचे रहती है स्वास्थ्य की मम्मी से, उन्होंने मुझे बताई थी रेसिपी, तो तब मैं बनाती हूँ और काफ़ी अच्छी भी होती है। और ये है हमारी मूंगफली की चटनी और ये है सेजवान चटनी। तो ये है नीरज की प्लेट, तो नीरज को देख के आते हैं। होप सो आप लोग को ये छोटी सी रेसिपी पसंद आई होगी और आप लोग भी बनाना अपने घर पे एक बार ट्राई तो करना यार, बहुत अच्छी होती है। जो जो सामान है उसे से बना लेना, ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ मैं जैसा मैंने डाला है वैसे ही आपको डालना, क्योंकि मेरे पास भी कभी कभी कोई चीज़ नहीं होती है तो मैं बनाती हूँ, लेकिन सच में ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा यम्मी होती है और काफ़ी हेल्थी भी होती है, तो बच्चे लोग भी बहुत खा लेते हैं आराम से। तो चलो अब नीरज को देख के आते हैं उनका ब्रेकफास्ट, क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट हो चुकी हूँ, साथ साथ वीडियो भी बनाई थी इसलिए, और मैं कर लेती हूँ अपना ब्रेकफास्ट क्योंकि कल फास्ट था तो आज ना भूख लग रही है। तो आप लोगों को यार आवाज थोड़ा सा कम कर लो नीरज जी। सो गाइस आप लोग को मिलाते हैं उस शख्स से जिसको आप लोगों ने, अरे यार आवाज कम कर लो प्लीज। तो मिलाते हैं उस शख्स से जिसको आपने कॉन्ग्रेचुलेशन कहा है। तो नीरज जी कुछ कहना चाहेंगे लोगों को, आपको मेरे YouTube फैमिली ने कॉन्ग्रेचुलेशन बधाइयाँ दी हैं आपको बहुत सारी ढेर सारी, तो आप भी कुछ बोलिए। थैंक्स माय YouTube फैमिली। एक्चुअली क्या बोलना चाहता था मैं तुम्हें खुद ही नहीं पता। नहीं कट होगा ये, अब ये कट नहीं होगा ये नहीं। अरे क्यों? पहले बताना था ना यार, मेरे को प्रैक्टिस करना। क्यों प्रैक्टिस करना है, सही चीजें बोलनी ना, झूठा क्यों करना है, यही तो जनता देखती है। क्यों बताओ, बस थैंक्स कह दो सबको यार अच्छी विशेस के लिए। हाँ थैंक यू सो मच। और आप भी अपनी जिंदगी में तरक्की करें, खुश रहें, जैसे मैं कर रहा हूँ। मैं तो बहुत ही कम कर रहा हूँ, छोटी सी है आप लोग। हाँ तो छोटे से तो बड़ा बनता है, और यहाँ पे नीरज जी तरक्की ऐसे करते हैं आईपीएल में पैसे लगा के, आईपीएल में ड्रीम इलेवन में टीम लगाए, मेरी तरह कंगाल बन गए और पैसे कभी ना जीते। तुम कितने रुपए जीते आज तक ड्रीम इलेवन बता दो। ड्रीम इलेवन को बता देता हूँ मैं, मतलब एक्सपोज कर रहा हूँ, मैं अभी तक 1 रुपया भी नहीं जीता हूँ इस ड्रीम इलेवन से, मेरे पैसे गए ही हमने इसमें। So guys, मेरे पति ने ना जब आईपीएल चलता है, जब आईपीएल चलता है ना हर बार पैसे लगाते हैं और 1 रुपया भी कभी नहीं जीतते। आईपीएल तो छोड़ो, एक कसिनो करके कुछ ऐप है ना, उसमें भी सट्टा लगा दिया, उसमें तो कितने ही रुपए लगा दिए। आईपीएल में तो चलो क्या है, ये ड्रीम इलेवन में ज्यादा लॉस नहीं होता है, 1-2 रुपए का ही ऐसे कुछ होता है, लेकिन जो कसिनो वाला है ना सट्टा आई मीन, उसमें तो नीरज जी कितने पैसे लगा, 10,000 तो लगाए। शट अप, बकवास कर, इलीगल है। सो इनकी बातें यार सब लगाते हैं, सब कुछ नहीं है। तो गाइज आज मैं इसी खुशी में ना, वैसे तो नीरज को प्रमोशन लगे हुए यार 2-3 दिन हो गए, बट मैंने अभी तक कुछ बनाया। एक को लगा था 4 तारीख हो गई है। अच्छा ए हाँ, दो तीन दिन तो बोली हूँ मैं। तो मैंने कुछ बनाया नहीं था, हाँ बस एक हलवा बनाया था मैंने, सूजी का सॉरी बेसन का कल को मीठे में। और आज मैंने नीरज की फेवरेट चीज बनाई है, क्या बताई है नीरज, क्या बनाई है? चिकन। तो नीरज के बनाया मैंने चिकन, आज मैंने प्लेन चिकन बनाया। वैसे नीरज को बटर चिकन पसंद है और वो बटर चिकन कह रहे थे, बट मेरा ना आज बिल्कुल मन नहीं था एक्चुअली। आज ना जीनल के ना हाथ में चोट लग गई और हम तो इतना ज्यादा डर गए थे ना, और नीरज को तो भाई दिमाग खराब हो गया था, इतना गुस्सा आ गया था ना, इसका मूड ऑफ हो गया था, मतलब बिल्कुल
मतलब मैं तो व्लॉग भी नहीं बना पाई, नहीं तो उसका व्लॉग बनाने लायक था नीरज का। तो नीरज मेरा फोन फेंक देते, तो थोड़ा सा ना उसके हाथ पे थोड़ी सी मोच आ गई है, तो थोड़ा सा सच में ऐसा लगा कि बहुत चोट लग जाएगी उसको, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अरे मैंने देखा, तुमने देखा भी नहीं। हाँ हाँ, भगवान की कृपा से बच गई, ज्यादा चोट नहीं लगी। मैं मतलब तुम घुमा रहे थे, मैंने देख लिया था अंदर घुसा हुआ, देखा था। हाँ हाँ, अंदर घुसा हुआ देख लिया था, फिर तुम देर से पहिया घुमा रहे थे, मैंने देख लिया था। निकालने के लिए हाँ अंदर घुस गया था। तो चलो यार, मैंने चिकन भी बन चुका है और रोटियां बना दी है, जीरल को भी, वो जीरल बगल में गई है अभी छोटी, उसके साथ खेल रही है, लेके आती। चलो।